मैं यहाँ आया, ढेर सारे लोगों के फोन रहे कि अब क्या करोगे आप महाराष्ट्र में। मैं सरकार में कुछ तोड़ने नहीं आया हूँ, जोड़ने आया हूँ। क्या किया 16 साल में, 50 साल? मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि मुझे सलाह देने की जगह अपने गिरेबान में जाग कर देखिए। आपको सबसे पहले जरूरत है राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने की और सहकारिता आंदोलन को मदद करने की। तू मित्रों, ये पक्षपात पूर्ण रवैया जो हो रहा है, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं मुख्य प्रेक्षक बनकर बैठ नहीं सकता। मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं इसीलिए आज पहले बहुत अच्छे तरीके से कहने आया हूँ कि भाई हम सब ने इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं ये भी विश्वास देता हूँ कि मेरे सामने भी जो मसला आएगा, वो सहकारिता का यूनिट कौन चलाया है वो कोई नहीं देखे, कैसा चल रहा है वो जरूर देखेंगे, कौन चला रहा है वो नहीं देखे। प्रधानमंत्री वाला उचित नहीं आ सके, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कहीं के लिए आया हूँ? शरद पवार को उखाड़ने के लिए आया हूँ। कोऑपरेटिव का संचालक मंडल कौन है, किस पार्टी से, इसके आधार पर उसको फाइनेंस होगा क्या? क्यों आज हमें सुनवाई करनी पड़ रही है दिल्ली में? राज्य सरकार के राज्य के स्तर पर चीनी मिलों के मसले क्यों हल नहीं होते? कुछ के तो हो जाते, कुछ के नहीं करते हैं।